हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पे। उससे पहले हम देख लेते हैं ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं डिडक्शन फॉर्मूलेस बीटा फंक्शन के। 0 से π/2 इंटीग्रल साइन एम थीटा कोस एम थीटा इक्वल्स टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये भी क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है और ये वाला भी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। 0 to ∞ एक्स एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाए एन अपॉन साइन एन पाए। अब ये दो फॉर्मूले हमें पहले से याद होने चाहिए, नॉर्मल जनरल फॉर्मूलेज हैं। अब ट्रिक्स देखते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन में 0 to ∞ आएगा तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रख रहा है कि इसमें गामा फंक्शन लग रहा है e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और जब 0 से 1 आएगा तब हमें पहला माइंड में यही आना चाहिए कि बीटा फंक्शन लग रहा है, जबकि इसमें भी 0 to ∞ बीटा फंक्शन में भी 0 to ∞ वाले कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन पहले हमारे माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए कि 0 to 1 वाली लिमिट में बीटा एम एन है और 0 to ∞ वाले में गामा है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। यह हमारा पहला न्यूमेरिकल है, तो अब देखिए 0 to ∞ है इसमें लिमिट। अब 0 to ∞ लिमिट है, इसका मतलब कि ये गामा फंक्शन है। अब हमें देखिए भी रहा है e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहला मैं आपको फॉर्म लिख देता हूँ गामा एन क्या होता है। 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले ये लिख दिया मैंने। अब क्या करा, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ गड़बड़ कर दी है। जो चीज़ गड़बड़ करती है उसे ही हम लेट करते हैं। अब यहाँ पे x है, x तो है सिंपल, यहाँ पे x है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो हमने रूट एक्स को लेट कर लिया y, और फिर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया पहले इसे वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 2y dy। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज पुट करी क्वेश्चंस में तो ये आया 0 to ∞ y की पावर 1/2, ठीक है, और e की पावर माइनस वाई 2y dy। 2 बार आ जाएगा y की, y सेम बेस है, पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 बार 0 to ∞ e की पावर माइनस वाई मैंने पहले लिख दिया, y की पावर 3/2 dy। ठीक है, अब n माइनस वन फॉर्म में लिखना है, n माइनस वन, तो ऐसा क्या लिखूं जिससे कि एन में से माइनस करके 3/2 आ जाए, या तो इस तरह लिख सकते हैं एन माइनस वन इक्वल्स टू 3/2, इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एन हमारा आएगा 5/2। यह आपने माइंड के अंदर ही कर लीजिए, वाई की पावर 5/2 - 1 dy। अब यह हमारा इसी फॉर्म में आ गया, ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो एन क्या हमारा 5/2, तो ये लिख दिया 2 और गामा 5/2। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करा। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 + 1, ये 5/2 ही होगा, तो 2 2 3/2 और 3/2 अंदर। अब 2 2 3/2 3/2 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 + 1, तो आया 2 2 3/2 1/2 और 1/2, इसकी वैल्यू होती है रूट पाए, 2 से 2 गया 3/2 रूट पाए, इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें देखिए 0 से 1 है, मतलब माइंड में स्ट्राइक कर गया कि ये हमारा बीटा फंक्शन ही होगा। ठीक है, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले मैं, बीटा एम एन क्या होता है, बीटा फंक्शन 0 से 1, ठीक है, और फिर एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब हमें 1 - x भी दिख रहा है नीचे, इसका मतलब पता है कि यही वाला फॉर्मूला लगाना है, तो अभी सॉल्व करते हैं। अब पहले तक गड़बड़ का पहले इसे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, 0 से 1 एक्स की पार 3/2 1 - x³ की पार -1/2 dx,
इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, एक्स है, एक्स है वन माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो मैं क्या करा एक्स क्यूब को ही लेट कर लिया क्योंकि हमें एक्स ही है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है। तो अब एक्स का पावर इधर गई, फिर मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट करी 0 से 1, वाई की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि इसे इसे ऐसे लिखा है एक्स क्यूब की पावर 1/2, तो ये हो गया वाई, वाई की पावर 1/2। अब यहाँ क्या 1 माइनस वाई पावर 1/2 डॉट 1/3 डी एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, वाई की पावर -2/3 डी वाई, ठीक है। अब सेम बेस पावर प्लस हो जाएगी और 1/3 बाहर आ जाएगा, सेम बेस तो पावर प्लस हो गई, तो यहाँ वाई की पावर -1/6, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस वाई की पावर -1/2 डी वाई। अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, m-1 और n-1, तो इसे इसे मैं वही करता हूँ जैसे मैंने पहले कहा था, -1/6 = m-1, तो m की वैल्यू क्या आई हमारी आई 5/6, और ऐसे ही 1 माइनस 1/2 को लिखा n-1, तो n की वैल्यू क्या आई हमारी 1/2, ठीक है, तो 1/3 0 से 1, y की पावर 5/6 - 1, 1 माइनस y 1/2 - 1 डी वाई। अब ये हो गया फॉर्मूला x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1, तो इसका बीटा के फॉर्मूले का बीटा क्या आया 5/6 1/2। हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बीटा m n इक्वल्स टू गामा m गामा n गामा m प्लस n, तो इसमें वैल्यू रख दी मैंने, तो यहाँ गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन गामा 4/3, इन दोनों को ऐड करके 4/3 आया। गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू है हमारी रूट पाए। अब गामा 5/6 को सोल्व करेंगे और गामा 4/3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी 5/6, यहाँ कर दी गामा 1/6 गामा 2/3 और नीचे 4/3 तो है, तो यहाँ पे मैंने यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी 1/3 गामा 2/3, ठीक है, ये 4/3 एक्सपेंड हो गया है और रूट पाए हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और इसका हमारा अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी थी गामा एन 1 - n गामा के अंदर इक्वल्स टू पाए अपॉन साइन एन पाए, तो ये हो गया हमारा 1/6 n, और ये हुआ 5/6 को लिख सकता हूँ मैं 1 - 1/6, ये हमारा हो गया 5/6, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारी 1/6, तो इसका क्या हो गया रूट पाए अपॉन 3, और फिर गामा 2/3 से ऐसे जाएगा एज इट इज अपॉन पाए, और गामा 1/6 नीचे का ऐसे जाएगा, नीचे भी हमने यही करा है, और ये आया साइन n, n क्या 1, एक तो पाई ऊपर आ गया और साइन n क्या 1/6 तो पाई 6, और एक ऊपर आ रहा साइन पाई 3, और एक नीचे आ रहा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी एंड में जाके √3 π γ 2/3 अपॉन गामा 1/6। या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
कुछ नहीं करा है हमने, इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करा है और इसे सोल्व करा है। बस आंसर हमारा रूट थ्री पाई गामा 2/3 अपॉन गामा 1/6 है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो पहले वाले न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल थ्री का 1 0 to infinity x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24। तो अब 0 टू इन्फिनिटी इसका हमें पता है कि इनमें बीटा फंक्शन लगना ही लगना है। तो हम मेरे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले क्या कर रहा है, हमने इन दोनों को अलग कर दिया, x की पावर 8 को अंदर ले गए मल्टीप्लाई में, तो x की पावर 8 और x की पावर 14 सेम बेस पावर प्लस x की पावर 14, और फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखा है ये वाला, एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करा है, तो जैसे एक्स की पावर एम माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 और 9 प्लस 15, 9 माइनस 1 9 प्लस 15, तो ये हो गया एम एक्स की पावर एम माइनस 1 1 प्लस एक्स एम प्लस एन। और ऐसे ही यहाँ पे 15 माइनस 1 और 15 प्लस 9, फिर हमने बीटा में रखा, अभी दोनों कैंसिल हुआ है, क्यों, बीटा एन एम इक्वल्स टू बीटा एम एन, जो मैंने ये बताया था बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। ऐसे हमारा दूसरा पार्ट था, पहले अंदर ले गए इसे उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा और वैल्यूज़ लाए, और उस वैल्यूज़ लेके आने के बाद क्या करा हमने, बीटा 5 10 बीटा 10 5 दोनों सेम है क्योंकि बीटा एन एम इक्वल्स टू बीटा एम एन, तो ये 2 हो गए। उसके बाद हमने इसे सोल्व कर दिया, कौन से कौन सी आइडेंटिटी लगाई ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जांपल 4। तो पहला पार्ट क्या है, 0 से 2x 8 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस क्यूब। तो इसमें कुछ तो फॉर्म आ रही है कि x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, मतलब माइनस आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन लगा है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, गड़बड़ क्या कर रहा है, एक्स की पावर क्यूब गड़बड़ कर रहा है, तो इसे हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने 8y लेट करा है, जिसे हम 8 कॉमन ले सकें, समझ रहे हैं, 8y इसलिए लेट करा जिससे कि हम 1 माइनस एक्स ला सकें, तो हमने 8y कॉमन मतलब लेट करा है, फिर एक्स क्यूब को इधर ले आए और डिफ्रेंशिएट करके ये आया। उसके बाद क्या करा है हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करी वैल्यूज, इसे सॉल्व कर दिया, बीटा का फॉर्मूला बन गया और सॉल्व कर दिया। अब हमारा एक क्वेश्चन था 1 upon 1 plus x की पावर 4, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला पेपर्स में आता है ही आता है क्योंकि एक क्वेश्चन घुमा देता है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 plus x की पावर 4, ये 10 की फॉर्म में लग रहा है, अगर आपने इंटीग्रल पढ़ा हो या डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, तो हमने इसे इस वाले में नहीं, पर इस वाले में हमने लेट करा, इस वाले में हमने नॉर्मली कर दिया क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 को बाय लेट करा तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया, पर इस वाले में हमने 10 एक्स की एक्स स्क्वायर को 10 पुट करा है, जिसे 1 plus 10 square जाएगा, 1 plus 10 square क्या होता है 6 square, उसके बाद सोल्व कर दिया। आप न्यूमेरिकल देखते रहे, ठीक है। अब एक एग्जांपल 7 देखते हैं, एग्जांपल 7, ये न्यूमेरिकल भी आता ही आता है क्योंकि ये भी घुमा देता है, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। तो मैं अगर राइट हैंड साइड से ही चले और हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और इसे सोल्व करा, इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई n प्लस 1 इक्वल्स टू n और गामा n, जब हमने आइडेंटिटी लगाई तो हमारा सोल्व हो गया ये। बस इस वीडियो में इतना ही, एक क्वेश्चन और आता है ये वाला, 0 से पाई बाय 2 tan थीटा
इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 कोट थीटा। 0 से पाई बाई 2 वाली एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, जी 0 से पाई बाई 2 वाली एक आइडेंटिटी मैंने ये वाली पढ़ाई थी आपको, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में। तो ये वाली आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में यूज़ हुई है। अब मैथ्स को करने का क्या तरीका है? मैथ्स को करने का तरीका है, एक बार हाथ के नीचे से निकल जाए, मतलब क्वेश्चन हम एक बार करके देख लें, उसे पढ़ लें अच्छे से, प्रैक्टिस से ही होती है मैथ्स। तो भाई इसमें वो वाली आइडेंटिटी लगाई और नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक ये यूज हुआ है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल का फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, एफ ए माइनस एक्स कर देते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।